और केंद्र सरकार महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर बनाने और उनकी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है ताकि देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में आधी आबादी की बराबरी की भागीदारी सुनिश्चित हो। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने जा रही है। आधी आबादी की निगाहें उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली स्कीम्स पर टिकी और उन्हें इस बजट से काफी उम्मीदें भी हैं। मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास, मिशन शक्ति, मुद्रा योजना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नमो ड्रोन दीदी योजना, एनआरएलएम के जरिए बैंक सखी, विद्युत सखी, लखपति दीदी जैसी तमाम योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। 2014 में आई तो सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुरुआत किया और उसके बाद उज्ज्वला योजना, आवास योजना, समूह में ऋण देने, मातृत्व योजना, तो सभी जो भी योजनाएं उन्होंने बनाए महिलाओं के लिए उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। दूसरा ये कि इन योजनाओं से ही, जैसे समूह की योजनाएं थी जो महिलाएं एक्टिव थी उनको विद्युत सखी और ये लखपति दीदी बनाने का उन्होंने ये जो प्रयास किया, जितना भी जो भी काम गांव स्तर पर होना है वो वही महिलाएं करेंगी। आवास योजना में आवास महिलाओं के नाम दिया तो उनके सम्मान की भी रक्षा करी, तो हर चीज में महिला का फोकस है। इस बात के लिए मैं सरकार का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार ने और चाहे हमारी राज्य सरकार उत्तर प्रदेश सरकार हो, इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं और लगातार वो करते भी जा रहे हैं। और जैसे कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति प्रोग्राम किया है, इसके साथ साथ जो आजीविका बढ़ाने के लिए महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा भी है और निरंतर उन लखपति दीदी बनाने के लिए भी वो निरंतर रूप से प्रयास कर रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। महिलाएं थी पहले, ऐसे एक समय था कि वो अपने घर से निकलने के लिए इतना डरती थी और घूंघट खोलने में भी डरती थी। आज सरकार की देन ये है कि हमारी महिलाएं गांव क्या घर क्या अपने जिले में तक जाती हैं और अपने लिए मांग करती हैं और बहुत अच्छा कार्य करती है। जो पहले महिला थी कि अपने लिए 10 रुपए भी नहीं कमा सकती थी, आज ना तो वो अपने भाई से ना पति से किसी के अधीन नहीं, वो स्वतः है आज इस तरीके बन चुकी है कि वो अपना अपने बच्चों का घर संभाल सकती है।